Hello Sunil, today we will discuss one more property from periodic table and that is ionization enthalpy or ionization potential, जिसको हम abbreviated form में IE या IP भी लिखते हैं. Ionization energy या ionization enthalpy है क्या? अगर हमारे पास एक atom है, suppose ये atom है, ये इसका nucleus हो गया और ये इसकी shells हो गई, K, L और M, ठीक है? इसकी आउटर मोस्ट शेल, यहाँ ये आउटर मोस्ट शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर, और इसको अगर हमें रिमूव करना है, यानी यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी एनर्जी को ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि आईपी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the electron or most loosely bound electron from an isolated gaseous atom to convert it into, किसमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो gaseous atom है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, cation में या पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन. जैसे सपोज अगर हमारे पास एक कोई मेटल है, ठीक है, और इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो हमने यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करी, प्लस एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड करी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये मेटल आटम जो है ये कैटायन में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया. अब ये जो एनर्जी हमने प्रोवाइड करी है इसी एनर्जी को हम बोल रहे हैं आई ई और आई. So here is the definition and you have to remember the definition as it is, that it is the minimum amount of energy required. ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो required है, चाहिए ही चाहिए, यानी हमें provide करना ही करना है, to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom to convert it into monovalent cation. अब अगर हम first electron को remove कर रहे हैं तो first electron को remove करने के लिए एक atom है, उसमें से अगर हम पहला electron निकाल रहे हैं, first electron निकाल रहे हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसको हमने बोल दिया आई पी वन. आई पी इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड वन. सेम वे जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है हमने उसके लिए वेरिएबल ले लिया आई पी टू. और थर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें कि अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को, तीन इलेक्ट्रॉन को या तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो जो वहां पे एनर्जी इन्वॉल्व हुई वो ही आई पी थ्री. अब आपसे पूछा जाए ऑर्डर कि सक्सेसिव ऑर्डर क्या होगा, आई पी वन, आई पी टू और आई पी थ्री में से कौन से एनर्जी ज्यादा होगी या कौन सी एनर्जी कम होगी, तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम एक एटम की बात करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम बोलते हैं, या जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, राइट. अब जब हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है और वैलेंस शेल से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, राइट. हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, जितनी एनर्जी लगी हमने बोल दिया आई पी वन. अब हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. अभी हम जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है. प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेंगे, पुल करेंगे, और हमारे लिए इलेक्ट्रॉन का रिमूवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है. और फिर हमें अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो जब हम आई पी टू की बात करते हैं तो आई पी टू जो है वो आई पी वन से हमेशा ज़्यादा होगी, हमेशा मैं बोल रही हूँ, ठीक है. यही ट्रेंड फॉलो होगा और उसका रीज़न क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन्स बढ़ गए, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने की वजह से अब ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे. और यही केस होगा जब हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. हम दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, और प्रोटॉन्स अभी भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो तीसरा जब हमें इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव करना होगा तो अब न्यूक्लियर फोर्स और ज़्यादा लग रहा है, और न्यूक्लियर फोर्स अगर ज़्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो डिफिकल्ट होगा और
टीडीएस हो जाएगा और हमें ज़्यादा एनर्जी के साथ फिर उस थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। तो IP3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IP2 एंड इन टर्न IP2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IP1। तो तीन अगर हमारे पास एनर्जी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, सेकेंड एंड थर्ड, तो उसमें से हमेशा ये जो है थर्ड वाली वैल्यू ये हाइएस्ट होगी जब हम तीनों को कंपेयर करेंगे। इस चीज़ को हम वैल्यूज़ के साथ भी समझ लेते हैं। हम एक कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और जब हम इसके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो 1s2 और 2s2 और उसके बाद 2p2 ये आता है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 2p से निकलेगा। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर 2p से निकल रहा है तो जो IP1 आ रही है, IP1 की वैल्यू हम लिखें तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है एंड दिस इज 1086, ठीक है, किलो जूल पर मोल में यूनिट हमने ले रखी है, किलो जूल पर मोल आ रही है, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, राइट। अभी इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 5 हमारे पास, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया। अब हमें 2p1 में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो निकालना है। उसको निकालने के लिए हमने जब एनर्जी को प्रोवाइड कराया तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, यानी जो IP2 आ रही है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू है 2353। अब जस्ट सी, 2353 किलो जूल पर मोल, यूनिट तो सेम ही है, किलो जूल पर मोल। 1086 का डबल आप करेंगे तो डबल से भी ज़्यादा आ रहा है, राइट। और यही अगर हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना हो तो दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, अब तीसरा कहाँ से निकलेगा? तीसरा निकलेगा 2s से निकलेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हमें रिमूव करना हो। तो वो थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यहाँ पे हमारे पास आ रही है वो एनर्जी है 4620 किलो जूल पर मोल। और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तीन ही इलेक्ट्रॉन, हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन की भी बात कर सकते थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वेरिएबल क्या हो जाएगा? IP4। IP4 का मतलब हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर रहे हैं तो एनर्जी क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, प्रोटॉन अभी भी वहां पे 6 हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने? इलेक्ट्रॉन्स 3 ही है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो IP4 की जो वैल्यू है, IP4 की वैल्यू फिर बढ़ जानी चाहिए और ये वैल्यू आती है दिस, किलो जूल पर। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं और IPs की बात कर रहे हैं तो जो IP है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। और अगर पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होंगे तो जो 6 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उतनी एनर्जी हम प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे। 5th और 6th के लिए जो एनर्जी जाती हैं वो बहुत हाई जाती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि IP5 की वैल्यू क्या है तो आप फिर कंपेयर करके देखिए। 4 तक तो ये 6000 इतना था, 222, अभी ये है 37829 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी फीजिबल नहीं होती है, हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, राइट। इसीलिए जब हम कार्बन की बात करते हैं तो हम कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की भी बात करते हैं। अगेन जो वैल्यूज़ आ रही हैं आप वैल्यूज़ को कंपेयर करके देख सकते हो। तो हमेशा आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा कि IP3 विल बी ग्रेटर देन IP2 एंड IP2 विल बी ग्रेटर देन IP1। अब व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड, हमें फैक्टर्स की भी बात करनी है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है साइज ऑफ द एटम। जो IP है वो साइज ऑफ द एटम पे भी डिपेंड करती है। जैसे जैसे देखिए साइज बढ़ता चला जाएगा तो जिस इलेक्ट्रॉन को, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अवे होता चला जाएगा। जैसे जैसे साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अवे होता चला जाएगा, उस पर कम न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा। कम न्यूक्लियर फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाएगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे IP की वैल्यू जो है वो घटती जाती है। तो अगर हम दोनों में रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों में जो रिलेशनशिप आ रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की है, यानी कि IP विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो द फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज एंड IP is inversely proportional to size of the atom. Size of the atom. As the size of the atom increases, the electron will go far away from the nucleus and less force of attraction it will face, right? And it can be easily removed. So the value of IP will decrease. The second factor is screening effect. अभी हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझा नहीं है। बेसिकली ये डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स। मतलब जिस वैलेंस शेल में से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है उससे पहले वाली जो शेल्स हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करती हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है उसके ऊपर कम न्यूक्लियर फोर्स लगेगा और उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं।
हम नेक्स्ट क्लास में स्क्रीनिंग इफेक्ट को और डिटेल में समझेंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आईपी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगेन जो रिलेशनशिप आ रही है, आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट राइट। थर्ड इज न्यूक्लियर चार्ज। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज की ही, कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे लिए इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है वो डिफिकल्ट होता जाता है, राइट। तो और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होगा तो आईपी ऑब्वियसली बात है बढ़ती जाएगी। तो अब ये जो हमारा फैक्टर है इसमें आईपी और न्यूक्लियर चार्ज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आ रहा है कि एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ आईपी विल इंक्रीज। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को फेस कर रहा होगा उसके ऊपर जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा उतनी ज्यादा उसकी आईपी होगी या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, स्टेबिलिटी की बात हो रही है। अब आप खुद इस चीज को सोचिए बेटा कि अगर हमारे पास एक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है तो क्या हम उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे? आंसर इज नो, हम नहीं कर पाएंगे। इनर्ट गैसेस की कंपाउंड का फॉर्मेशन हमारे लिए क्यों नहीं पॉसिबल है, एक्सेप्ट सम इनर्ट गैसेस जैसे ज़ीनॉन है, उसको अगर हम छोड़ दें तो उसका रीजन ही यही है कि एक तो जो कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैसेस का या नोबल गैसेस का वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड वहां पे सारी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स अगर हैं तो वहां से हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव नहीं कर पाते, या फिर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अगर हम कर रहे हैं, राइट। तो अगेन जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उतनी ज्यादा आईपी होगी। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड में फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो अगर फुली फिल्ड है वहां पे तो ऑब्वियसली बात है आईपी बढ़ जाएगी। तो अगेन ये वाला जो फैक्टर है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, इनमें और आईपी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आता है, ठीक है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। लास्ट फैक्टर है शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। कैसे शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स आईपी को अफेक्ट करते हैं? वी नो हमारे पास चार सबशेल्स हैं, ठीक है, एस पी डी और एफ। जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होती है कंपैटिबली पी के, सेम वे पी ज्यादा क्लोज होगी कंपैटिबली डी के और डी कंपैटिबली ज्यादा क्लोज होगी एफ के। अगर आपको याद हो ऑफ बाउ प्रिंसिपल एन प्लस एल रूल जहाँ हमने सारी चीजें सीखी थी, एस जो है वो फर्स्ट शेल से ही शुरू हो जाती है, पी सेकेंड से शुरू होती है, डी थर्ड से, और एफ जो है वो फोर्थ शेल से जाके स्टार्ट होती है। फोर्थ शेल मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी दूर है न्यूक्लियस से, काफी दूर है, फोर्थ शेल से कहीं एफ आ रही है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या ऑर्डर देखने को मिलेगा आईपी के लिए? आईपी का ऑर्डर होगा दिस, क्या मतलब हुआ इसका? कि इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी ऑर्बिटल इन कंपैरिजन टू एस ऑर्बिटल। व्हाई? बिकॉज एस ऑर्बिटल इज नियर टू द न्यूक्लियस, वहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स जो है वो फेस कर रहे होंगे। इन टर्न डी में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है कंपैटिबली पी के, क्योंकि पी इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो दीज आर द फाइव फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ आईपी डिपेंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम साइज ऑफ द एटम। एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजियर, और बाय प्रोवाइडिंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन। रेस्ट फोर फैक्टर्स आर स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, स्टेबल कॉन्फिग्रेशन एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब हमें प्रॉपर्टी के साथ साथ उसका वेरिएशन भी डिस्कस करना है, तो आईपी के वेरिएशन को समझिएगा। वेरिएशन हम पीरियड और ग्रुप में डिस्कस करते हैं, पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करके, राइट। तो अगर हम एक पीरियड में वेरिएशन की बात करें तो जैसे जैसे हमें पता है हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड में, जब साइज की हम बात करते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज करता जाता है। और अभी हमने बात करा कि अगर साइज डिक्रीज कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है तो आईपी क्या होना चाहिए? आईपी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एक पीरियड में मूव करेंगे तो जो वैल्यू है आईपी की, अगर हम लिख लें यहाँ पे कुछ वैल्यूज, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर हमने इतनी वैल्यूज ले ली और फर्स्ट आईपी अगर हम लिख लें तो 520 आ रही है किलो जूल पर मोल, लिथियम के लिए 899, देन बोरॉन है 801, कार्बन 1086, नाइट्रोजन 1402 और ऑक्सीजन 1314, ठीक है। फ्लोरीन भी ले लेते हैं,
1681, ठीक है। तो हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, हमने कहा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ मूव करने में क्या होता है, साइज डिक्रीजेस। अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो आईपी क्या होगी, आईपी इंक्रीजेस। देखिए क्या वो ट्रेंड आ रहा है, लेट्स चेक आउट। 520 है, उसके बाद देखिए वैल्यू बढ़ गई 899, लेकिन फिर घट गई वैल्यू, फिर उसके बाद इंक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज हुई है, लेकिन फिर डिक्रीज हो गई और फिर इंक्रीज हुई। तो थोड़ा सा रेगुलर ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिला। हम इसको एक और फैक्टर लगा के समझेंगे जो हमने बात करी थी स्टेबल कॉन्फिगरेशन की। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो आईपी है वो इंक्रीज करती है, ये तो फैक्ट है। लेकिन जहां जहां पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा, अब स्टेबल कॉन्फिगरेशन कैसा, देखिए बेरिलियम, ये बेरिलियम है यहाँ पे, इसका कॉन्फिगरेशन क्या आता है, 1s2 2s2, जो s है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया। तो लिथियम से तो ज्यादा है, लेकिन बोरॉन से भी ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे इसका जो कॉन्फिगरेशन है वो स्टेबल है, और स्टेबल कॉन्फिगरेशन में से हमने कहा था इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दैट इज वाई बेरिलियम जो है उसकी आईपी बोरॉन से भी ज्यादा हो रही है, ठीक है। उसके बाद 801 है, 1086 है, उसके बाद फिर से हमें यहाँ देखिए 1402 होना क्या चाहिए था, जो वैल्यू नाइट्रोजन की है वो 1086 और 1314 के बीच की होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा है, ऑक्सीजन से ज्यादा आ रही है। वो क्यों आ रही है, अगेन वो जो फैक्टर लग रहा है वो है हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन के लिए आप लिख के देखिए कॉन्फिग्रेशन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7 और कॉन्फिग्रेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप बनाएंगे, ये आउट ऑफ फोकस था, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, 2s में दो इलेक्ट्रॉन और 2p में क्या आ रहा है, 2p में तीन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। तो नाइट्रोजन जो है उसका कॉन्फिगरेशन स्टेबल कहलाता है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है इसका, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स हैं वो या तो फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। और स्टेबल कॉन्फिगरेशन हमने क्या कहा कि अगर हमारा कॉन्फिगरेशन स्टेबल है तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो सडन इंक्रीज यहाँ नाइट्रोजन में भी देखने को मिला कि काफी ज्यादा हो गई, कार्बन से तो ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इंक्रीज करता है, ठीक है, आईपी इंक्रीज करती है, लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो कॉन्फिगरेशन है वो स्टेबल है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे कि वैल्यू जो है होनी चाहिए नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम, क्योंकि आईपी जो है वो इंक्रीज करती है, नाइट्रोजन पहले आ रहा है ऑक्सीजन बाद में आ रहा है, लेकिन होता इसका रिवर्स है। रिवर्स ये कि नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आईपी है, ये जो वैल्यूज हमने लिखी हैं, ये सारी की सारी हमारी आईपी 1 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आईपी 1 नाइट्रोजन की इज मोर देन ऑक्सीजन, जस्ट बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्टेबल कॉन्फिगरेशन। और एक ग्रुप में अगर हम वेरिएशन की बात करें तो जो आईपी है वो डिक्रीज करती है, ग्रुप में टॉप टू डाउन जब हम मूव करते हैं तो वैल्यू जो है आईपी की वो डिक्रीज करती है। और वैल्यू आईपी की क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज इंक्रीज करता जाता है, हम एटॉमिक साइज पढ़ चुके हैं, हमें पता है एक ग्रुप में जब हम टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज करती हैं। नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज करेंगी तो एटम का साइज बढ़ेगा, और एटम का साइज बढ़ेगा तो अभी हमने फैक्टर डिस्कस किया कि एटम का जो साइज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, यानी जैसे जैसे साइज बढ़ता है जो वैल्यू आईपी की है वो डिक्रीज करती जाती है। तो दिस इज अबाउट आईपी एंड द फैक्टर्स ऑन विच आईपी डिपेंड्स एंड द वेरिएशन ऑफ आईपी अलोंग अ पीरियड एंड डाउन इन अ ग्रुप। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।